कन्हैया जी का घर में आगमन हो गया है। सुने चोर यतः स्वयं निज गृहे है अंगहीनं मणिस्तभे स्वप्रतिबिम्ब मीचित्तवस्तेव साधु भयम् भ्रातयां वद मातरं मम समो भागवस्तमीहतो भुङ्गवेत्यालपतौ हरे कलवचौ मातां रहां श्रूयते। एक दिन सांवरे सलोने ब्रज कुनाथ कन्हैया ने माखन की चोरी की है और कन्हैया जी ने यहां जीवात्मा की अगर बात करें तो और आध्यात्मिक चर्चा करें तो कन्हैया जी ने माखन नहीं खाया है, जीवात्मा के पाप को पी करके उसे मोक्ष धाम की बात कही है। यहां ये कहा गया कि इस जीवात्मा के सिर पे जो पाप की मटकी है उसमें भरे हुए विषय और विकारों को मेरे सवरिया मेरे श्री हरि ले लेते थे और बदले में उसे मोक्ष की गति दे दिया करते थे। कोई ब्रज की जो बालाएं हैं ना इनके बारे में बता दें, जब भगवान राम का जन्म हुआ था रामा अवतार में आनंद ले रहे थे तब भगवान जब जनकपुर में गए थे ना तो जे जैसे तैसे ही उठे था वही बाल वृद्ध को संगना लाओ है। राम जी को देखने के बाद हर व्यक्ति पागल हो गया था, दीवाना हो गया था, आशिक हो गया था। हर आदमी चाहता था मैं मेरे राम को एक झलक देख लूं, मैं मेरे समरिया को पालूं, मेरे ठाकुर को पालूं। उस समय भगवान ने हंसते हंसते कह दिया था, तेरे बालाओं इस बार तो मैं किसी का नाम लिखवा के आया हूं, अब की बार जब मेरा कृष्ण अवतार होगा तुम सारी जाके पहले से ही ब्रज में बालाएं बन जाना, हम वहां आपकी इच्छा को पूरा करेंगे। और वेद की ऋचाओं को भी ब्रज की बालाओं का स्वरूप दिया गया है। जैसे शत्रुघ्न को वेद स्वरूप कहा गया, जब भगवान का अवतार हुआ वेद ने कहा हम भी अवतार लेंगे, बोले आप कैसे लोगे, बोले मैं संतों की वाणी से लूंगा क्योंकि संतों के मुख से निकला हुआ शब्द वेद ही है, प्रमाणित हुआ है। माखन चोरी किया है, अब जब कोई बच्चा चंचलता करता है तो प्री प्लान करता है ना। राजेश जी हमारे कन्हैया जी भी ऐसे थे, माखन की चोरी करने से पहले माँ को समझा रहे हैं, माता का ये नवनीत मिदम तो धीयम, माँ मैं तुझे एक बात बताऊं, लोभेन चोरी तो मध्यम ग्रह प्रविष्टा, माँ तुझे एक बात बताऊं, कुछ नए ग्वाल बाल कुछ नए चोर, चोर इत मध्यम ग्रह प्रविष्ट, माखन चुराने के लिए घर में घुस आते हैं और कहते मध्यारणम ना मनुते मई रोष भाजी रोसम, रोष भाजी रोसम, माँ जब मैं उन्हें मना करता हूं मेरे पे गुस्सा करते हैं, फिर मैं कह देता हूं खा ले भैया खा ले कोई बात नहीं गौ मैं अपनी है। लेकिन माँ तने तिनाहे मी नवनीत लोभा, माखन का पर्यावाची शब्द है नवनीत, माँ मैं ये बात ये आपको बता रहा हूं इसका मतलब ये मत समझना कि मैं माखन खाने वाला हूं, मुझे माखन से तो इतना सा भी लोभ नहीं। पूरी लीलाएं वही कन्हैया जी वात्सल्य का संपूर्ण आनंद लेते हैं। बहुत चंचलता रहे, अरे माँ तूने मेरे हाथों में जो पद्म राग दिया है इससे मेरे हाथ जल रहे हैं,
कन्हैया जी ने चोरी घर में की और लोगों को आनंद आया, क्योंकि पड़ोसी तो पहले से ही परेशान थे ना। लोगों के घरों से माखन चुराते थे, कन्हैया आज घर में माखन खाया है। यहां भाव देखिएगा इस गीत के, इस भाव को, कल्पना को। माँ को पता है कि मेरी माखन की चोरी कन्हैया ने की है, और कन्हैया को भी पता है कि आज मेरी चोरी पकड़ी गई है। और वात्सल्य भाव में कन्हैया लॉजिक दे रहे हैं, अपना तर्क रख रहे हैं, और अंत की पंक्ति ध्यान से सुनिएगा, आनंद आएगा। मुख में मक्खन लगा हुआ है। मैया मोरी, ओ मैया मोरी, नहीं नहीं कहा कन्हैया ने, हा मैंने पद को पढ़ लेना। कन्हैया जी तो झूठ बोले ही नहीं है, वात्सल्य भाव में माँ उसको कुछ अर्थ का अनर्थ समझ रही थी, फिर भी कन्हैया तर्क दे रहे हैं। और आखिरी पंक्ति को ध्यान से सुनो। हे मैया मोरी, मैंने ही
मर्दानी। कन्हैया तू बड़ा नटखट है। कन्हैया जी ने कहा चलो यहाँ बात नहीं बनी, एक आधा और तर्क दे देते हैं। शब्द के सुनते ही बाजी उलट गई।
अभी तक कन्हैया कहते थे मैंने नहीं बात सुनाया, अब यशोदा कहने लगी लल्ला मेरे तूने नहीं माखन खाया। कन्हैया जी ने कहा जब बात बन ही गई तो अब झूठ क्यों बोला जाए। पंक्ति को देखिएगा, माँ बात माखन की नहीं है, मुझे माखन के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, तूने तो मुझे किसी और की बात जान ली, किसी और की संतान जान ली है, इसलिए भेद कर रही और बात सच भी है। यशोदा के पुत्र थोड़े हैं।